मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, बोले फील्ड पर उतरकर अधिकारी अवैध पार्किंग व स्टैंड पर करे कठोरतम कार्रवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को सदन में घेरने के लिए कल बुलाई विधानमंडल दल की बैठक, बनाएंगे रणनीति। आजम खां के एक बयान से गरमाई यूपी की सियासत, अचानक बदला प्रदेश का मौसम, बूंदाबांदी के बाद आई ठंडक। स्वाद व सुगंध का राजा है पूर्वांचल का गौड़ सीत, इसकी मिठास ऐसी है कि हर कोई करता है तारीफ, दाम मात्र 40 रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ की विधायकों को सख्त हिदायत, ठेके पट्टे ट्रांसफर पोस्टिंग और उद्दंडता से दूर रहे। मेरठ में बोले गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, किसानों का दर्द समझते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायकों को दिया गया है ई विधान प्रणाली का प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री बोले विधायक ठेके पट्टे व ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहे। सड़क हादसों में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में, मरने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 25 साल के युवा। यूपी बोर्ड के स्कूलों में एक हाथ किताब और दूसरे हाथ में होगा माउस, वाईफाई सुविधा की भी तैयारी। बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड में मुनीर और रैयान को फांसी की सजा। रूस ने की बड़ी घोषणा, अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन और विदेश मंत्री ब्लिंकन सहित 963 अमरीकियों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी लेबर पार्टी द्वारा सरकार बनाने की संभावनाएं तेज। अफगानिस्तान के बामियान में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन से 2 बच्चों की मौत। अमेरिका ने दी युद्धग्रस्त यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की सहायता, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किए बिल पर हस्ताक्षर। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों की बड़ी खेप को किया नष्ट, रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा केवल कूटनीति ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकती है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को मुंबई को हराना ही होगा, नहीं है कोई दूसरा रास्ता। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर अपनी मंगेतर के साथ इस दिन करेंगे शादी, कर दिया ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज और इंग्लैंड दौरे के लिए रविवार को हो सकता है भारतीय टीम का चयन। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने दी अश्विन को 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने की सलाह।